हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शिवानी गुजरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइज, मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। और गाइज, मेरे ब्लॉग में ऐसे ही जुड़े रहो और बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। और गाइज, मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखना, मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहे। फ़िलहाल मैं अपने काम में लगी हूँ फटाफट करने में। आज मैं सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अब तक मैं बहुत सारा काम ख़त्म भी कर चुकी हूँ। सारा अपना झाड़ू पोछा, बर्तन, पूजा करना और चाय वाय भी बना दिया मैंने सबके लिए। और सारांश से मैंने स्कूल भी भेज दिया है और फिलहाल मैं बना रही हूँ परांठे। सारांश भी स्कूल जा चुका है, हमें फ़िलहाल परांठे बना रही हूँ। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है। और गाइज, यहाँ पर मेरी बहन है, चाय सर्व कर रही है। मम्मी पापा को सबको चाय दे रही है क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो रही थी, तो मैंने इससे बोला बहन तू चाय दे दे, तो ये चाय दे रही है। और गाइज, अब हम चल दिए हैं। देखो मौसम ख़राब है ना, मौसम बहुत ख़राब है। अब मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, मैं अपनी मम्मी की दवाई लेने आई थी मम्मी के साथ हॉस्पिटल। तो गाइज, हम दवाई लेने जाते हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, तो हॉस्पिटल आ रहे राम मनोहर लोहिया में हम दवाई लेने जाते हैं। तो गाइज, वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मैं अपनी मम्मी के साथ जाती हूँ, 2 साल से जा रही हूँ बराबर। और दवाई ववाई लेने के बाद अब हम मेट्रो स्टेशन पे आ गए। मतलब इस हॉस्पिटल का मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि थोड़ा लगता है भाई हाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ मुझसे ज़्यादा। हॉस्पिटल में बारिश होगी बहुत ज़्यादा, बारिश में हम भीग गीले भी हो गए। फिर हम मतलब दवाई ववाई लेके हम आ चुके हैं, अब हम मेट्रो के वेट कर रहे हैं। और गाइस, बारिश आज बहुत ही ज़्यादा हुई थी और मैं घर से ही खाना बना के ले गई थी। घर से खाना बना के मैं इसलिए ले गई थी क्योंकि गाइस वहाँ हॉस्पिटल के आस पास, हॉस्पिटल के अंदर कुछ भी ढंग का ना मिलता। मतलब मिले खाने को बट वो खाने लायक ना मिलता, तो इसलिए मैं हमेशा ज़्यादातर मैं खाना बना के ही लेके जाऊँ। बाई चांस ज़्यादा लेट हो रही हूँ तो क्यों ना मैं खाना बना के ले जाती, वरना मैं हमेशा खाना बना के ले जाऊँ क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं मिलता खाने के लिए। और सरकारी हॉस्पिटल में तो तुम्हें पता कि सुबह बहुत ज़्यादा पर्ची की लाइन लगा, पहले पर्ची की लाइन में लगी और फिर डॉक्टर की लाइन में, फिर दवाई की लाइन में। तो लाइन में बहुत लगना पड़ा, पर कुल मिलाकर दवाई बहुत अच्छी मिल रहा है। हमारी मम्मी के पहले से बहुत आ रहा हूँ मैं, पहले मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होगी। तो गाइज़, अब हम फ़िलहाल मेट्रो में बैठे हैं और हम जा रहे हैं अपने घर। अब मैं यहीं अपने ससुराल उतर जाऊँगी और मम्मी आगे जाएगी घर। हम ऐसे ही यहाँ में, मम्मी हमेशा मुझे लेके जाती है अपने साथ, तो मम्मी आगे चली जा फिर मैं यहीं उतर जाती हूँ। मेट्रो से ही हम आते जाते हैं, सुबह में हम ज़्यादातर ऑटो से चले जा रहे हैं, ऑटो बुक कर लेते हैं उससे चले जाते हैं। और शाम को फिर मतलब वापस हम मेट्रो से आते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम गलती से गलत मेट्रो में बैठ गए। अब गलत मेट्रो में बैठ गए और हम बहुत दूर चले गए, इंदर लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। जब हम मैंने ध्यान दिया कि हम तो गलत मेट्रो में आ गए, फिर हम फिर से हमने मेट्रो बदली है उल्टी उल्टी मेट्रो। चाय पी लिया, चाय पी, शाम हो रही चाय पी लिया, मैं मना कर रही थी चाय बना, चाय पी। अब चाय के चक्कर में गर्मी हो रही है। हेलो जी, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शिवानी गुजरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो कैसे हो गाइस, आप कमेंट करके जरूर बताना, हम तो ठीक हैं। और गाइस, आज मैं हॉस्पिटल गई थी मम्मी के साथ, ठीक है गाइस। तो मेरी मम्मी वहीं से दवाई लाती हैं सरकारी अस्पताल से है। पर गाइज, वो हॉस्पिटल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार ही, तो पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, थोड़े मतलब और वो नहीं होते नवरात्रि से पहले बीमार हुई थी। तो जब से मेरी मम्मी को वहीं से इलाज चल रहा है, इलाज तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, पर 2 साल से ये मम्मी की हेपेटाइटिस वगैरह हो गए थे, तो जब से ही मम्मी को वहीं से इलाज चल रहा है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छे से देखे हैं हमें। और गाइस देखो, यहाँ जब मैं बार बार हाथ लगा रही हूँ ना, देखो नस्सी भी खड़ी दिख रही है। रात में फ़ोन चला रही और मेरे एकदम से हाथ में से फ़ोन छूट गया, और देखो यहाँ मेरे फ़ोन लग गया। देखो ये सूजन आ रही है यार,
यहीं आके लगा टक दे उसी। अब मेरा हाथ से फोन छूटा बहुत है, कभी मेरे यहाँ नाक पर लग जाएगा, कभी मेरे यहाँ, और मेरा सूजन कभी नहीं, जैसे रात आई ना, रात तो ज़्यादा बुरी तरह लगाया, किनोर सी लगी एकदम से। तो चलो गाइज, अब चाय वाय हमने पी पा ली है, अब हो रहा हमारा खाने का टाइम, तो मैं खाना बनाती हूँ। अब हम रसोई में जाते हैं सीधे, और करना ही क्या है। और सारांश भी ट्यूशन गया है, और बस सारांश की दादी पता नहीं मुझे बाहर ही गई है, मतलब घर में मैं ही हूँ, मैं और पापा, पापा टीवी देख रहे हैं, और मैं खाना बनाऊंगी थोड़ी देर में, बस खाने बनाने जा रही हूँ। और गैस में मेरे बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा, देख लो। और गैस ऐसा ना कि मतलब हॉस्पिटल में ना भीड़ भी इतनी ज़्यादा रहती है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, क्या ही बताऊँ तो हॉस्पिटल के बारे में, वो तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है यार। तो चलो गैस मिलेंगे थोड़ी देर बाद में, एक ठीक है थोड़ी देर बाद मिलते हैं, फिलहाल के लिए बाय बाय। सो गाइज अब मैं बना रही हूँ खाना, अब मेरी शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है, और अब बस ऐसा लग रहा है खाना बना के फटाफट सारा काम ख़त्म करके और थोड़ी देर आराम कर, तो उसी सब में लगी हुई हूँ मैं कि मैं खाना बना ही रही हूँ बस। और खाने में मैंने आज दाल रोटी बना दी है, और अब दूध दूध हाय गाइस। तो गाइस खाना पीना मेरा हो चुका है, बर्तन भी मेरे धो चुके हैं, सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, बस दूध गर्म है, दूध जमाऊंगी भी, और फिलहाल सारा काम भी पड़ चुका है। और आप सब बताओ कैसे हो। और गाइस आज का दिन ना मेरा बहुत ही ज़्यादा क्या है ना, भाग दौड़ वाला वाला दिन है, सुबह से जब से मैं उठी हूँ, और बीच में मैंने 1 घंटे कोई रेस्ट किया, बाकी मैंने कोई रेस्ट नहीं किया, और सुबह सारा अपना सुबह का काम करके गई दोपहर में मैं वहीं हॉस्पिटल, फिर आके 1 घंटा सोई, नहा धो के, क्योंकि हॉस्पिटल से आके मन न मानता, तो फिर नहा धो के 1 घंटा सोई, और 1 घंटा सोने के बाद फिर मैंने शाम को काम करा, मतलब कुल मिलाकर पूरा दिन आज भाग दौड़ आ गया है ना कुल कुल। तो भाई तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और इस ब्लॉग का करते हुए यहीं पे एंड, मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई, और मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई, मैं तो यहाँ रुक गई, मम्मी तो मुँह से भी आ गई। तो भाई यही सब चलता रहता है हमारी लाइफ में, घर जाना पड़ता है डॉक्टर के, जरूरी जाना भी, ठीक है। हेलो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।